दोस्तों मुझे इस बात का दुख है, पापीदा जी हमारे हेलो गाइस, सभी देशवासियों को मन्नान खान का सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्यार भरा दोस्तों आपके लिए। आपका मन्नान खान आज फिर आया है आपके साथ में। दोस्तों मुझे इस बात का दुख है, पापीदा जी हमारे प्यारे पापीदा जी, हमारी प्रेरणा, जिनने हमें काम करने का हौसला जगाया और ये काम को अनुभवी बनाया। दोस्तों उनके होते हुए हमें बड़ी दुख हुआ। वो जो है हॉस्पिटल गए, आपने हमारी एक वीडियो पहले भी देखी है, उन लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो गलत थे, और जो अभी हॉस्पिटल गए पैसा भी बर्बाद हुआ, और दोस्तों बड़ी दुखद घटना है। लेकिन ऐसे इंसानों को जो इंसान आरोप लगाते हैं ये बात गलत है, और दोस्तों ऐसे लोगों को आरोप मत लगाना चाहिए कि मान लो कैंसर उनको हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों ये तो ऊपर वाला जानता है, पत्ता बिना उसके हवा के नहीं हिलता। तो दोस्तों इसी तरीके से पापीदा जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन हमें इस बात की खुशी हुई अब आकर कि दोस्तों YouTube के माध्यम द्वारा हम आपसे मिले जुड़े, एक दूसरे से बातें कहीं। दोस्तों आज जो है कुछ समय गुजरने के बाद, 10 से 15 दिन के बाद पापीदा जी हमारे आपके साथ में आने वाले हैं, फिर भी सांपों के साथ में आपको फिर मिलेंगे हमारे प्यारे पापीदा जी, और सांपों की दुनिया के बेताज बादशाह, जिनको हम बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों दुखद घटना इतनी ही थी कि थोड़ा कैंसर का मामला था, इसीलिए पापीदा जी हमारे कुछ दिनों के लिए दूर गए थे। उनको मिस किया हम लोगों ने, इसलिए कि उनकी वीडियो नहीं देख पाए। नई वीडियो जो आती थी हम लोग देखते थे, हम उनका प्रेरणा है हमारी, वो उनकी वीडियो देखने की कोशिश करते थे, लेकिन दोस्तों ये चीज़ हम लोग नहीं देख पाए। थोड़ा दुख इस बात का है, लेकिन कुछ समय के बाद पापीदा जी लौट के आएंगे और हमारे साथ में हमें नई वीडियो देखने के लिए फिर मिलेंगी। और हम जैसे स्नेक सेवरों की ख्वाहिश है और स्नेक सेवरों का हौसला है पापीदा जी, और प्यारे मुरली भैया हमारे जो मुरली वाले जी हैं, वो भी हमारे गजब के स्नेक कैचर हैं। पकड़ते तो हैं स्नेक, लेकिन दोस्तों मुस्की मार के काम चला देते हैं, और उनका बहुत अच्छा एक ठोक मतलब डायलॉग है, खतरा तो हो सकता है और नहीं भी, ये डायलॉग उनका है मुरली वाले भैया जी का। और हमें बड़ी खुशी है, वो भी अच्छा काम करते हैं, और हमारे बहुत सी हमने उनकी वीडियो देखी। और माननीय महोदय हमारे मुबारक अंसारी जी बहुत ही गजब की वीडियो बनाते हैं, और एक से एक स्नेकों को पकड़ के हमें दिखाते हैं। बड़ी खुशी होती है हमें जब उनकी वीडियो हम देखते हैं। हमारे स्नेक सेवरों की शान है मुरली जी और मुबारक जी, और हमारे मिस पापीदा बहुत ही खुशी होती है हम जब इनकी वीडियो देखते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम स्नेक कैचरों में भी अभी ऐसे स्नेक कैचर हैं कि जो बहुत प्यारे हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी मेरी मुलाकात हो तो पापीदा जी से, मुबारक अंसारी जी से और हमारे मुरली जी से, इन्हीं से मैं मुलाकात करना ज़रूर चाहूँगा, और मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा इनके पास में, मिलूँगा। दोस्तों ऐसे वन्य जीवों को बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिसको मिलता है वो ऊपर वाला नवाजता है। इसीलिए दोस्तों हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे स्नेक कैचरों को बचाने में और उनको सुरक्षित फॉरेस्ट सेंचुरी और पंचायत इलाका में छोड़ने से ऐसा सुकून मिलता है हमें स्नेक सेवरों को, कि ये लोग, हम लोग बचपन से ये काम करते हैं। दोस्तों हमें तो बचपन से ही जानवर कीड़ा पकड़ने का शौक़ था, कहीं कैचुआ, कहीं कोच, छोटा छोटा छिपकली, ये सब पकड़ने का शौक़ हमारा बचपन से था, और बचपन से ये शौक़ जवानी में जब आया तो बेशुमार सोहरते लाया। यहाँ सांप भी मिलने लगे, अजगर भी मिलने लगे, बिछखा पर गुहेरा और डायनासोर, जैसे अब डायनासोर तो इस स्टेट में रह नहीं गए हैं, लेकिन उसके हिसाब की बनी छुकली, इसके आकार की बनी छुकली, जिसको बिछखोपड़ा और बिछखापर के नाम से जानते हैं और ग्वाय के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मिलने लगी देखने के लिए। और अन्य जीव जैसे मगर हो गया और अन्य और बंदर वगैरह, ये सब अब तो ये बड़े बड़े जीव जंतु हमें मिलने लगे हैं। दोस्तों आपके प्यार में पापीदा जी से हम फिर, अगर हमारी वीडियो पापीदा जी तक पहुँचे तो इतना ज़रूर कहेंगे दोस्तों कि जल्द से जल्द लौट आएँ।
आई मिस यू पापीदा।